Obviously, good morning guys, myself Chandan Kumar. I hope you are doing well. Today we are going to learn theory of machines. For mechanical engineers, आज हम लोग theory of machines mechanical engineer के लिए पढ़ने जा रहे हैं, discuss करेंगे. यदि आप कोई भी competitive exams की तैयारी कर रहे हैं, चाहे generals हो, चाहे engineering के field के हो, तो आप हमारा channel subscribe कर सकते हैं, Study with Chandan. और वहाँ पे आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के हो, मैंने 9th-10th के मैथ्स लिए हैं, इंग्लिश हो, उनके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे. और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी, यदि आप गेट्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ना है, तो उनके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे. आज थ्योरी ऑफ मशीन्स का पहला लेक्चर है और आज हम लोग सिर्फ इनका इंट्रोडक्शंस करेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है इस थ्योरी ऑफ मशीन्स में, उनको डिस्कस करने के बाद क्लासेस को रिलीव कर दूंगा और नेक्स्ट डे से हम लोग अपने टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन्स किनको कहते हैं और ये क्या होता है. देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशंस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन्स एंड फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन देम. हियर वी वुड एज वी नो दैट रिलेटिव मोशंस जो होते हैं, जो भी मशीन्स के पार्ट्स हैं, मशीन्स किस प्रकार से बनता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, छोटे छोटे यूटेंसिल से, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर एक मशीन्स बनता है. और उस पार्ट्स में जो भी उनके बीच मोशंस होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशंस बोलते हैं. तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशंस को डिस्कस करते हैं, फोर्सेस को डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी वेलोसिटी होती है या फिर पार्ट्स के जो स्ट्रेंथ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं. यदि आपसे पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ मशीन, चलिए इस पे तो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन्स इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग डिजाइन करने के लिए जाते हैं तो डिजाइन में हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, या फिर मशीन्स के किसी पार्ट्स को जब बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को जब तक उनके बारे में नॉलेज नहीं होगा कि किस प्रकार से पार्ट फंक्शंस करते हैं, उनका कितना स्ट्रेंथ होता है, तो हम लोग एक अच्छा डिजाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. इसलिए डिजाइनिंग, एक गुड डिजाइन प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को पढ़ाया जाता है, थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ाया जाता है. ओके गाइस, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन्स में हमें कौन कौन से पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है जो हम लोगों को बताया जाता है, जो कि हमारे डिजाइनिंग पोर्शंस को मजबूत करता है. तो पहला टॉपिक्स जो है इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स का, और सेकेंड पोर्शंस काइनेमेटिक्स ऑफ मोशंस, एंड थर्ड वन इज काइनेटिक्स ऑफ मोशंस, एंड फोर्थ वन इज सिंपल हार्मोनिक मोशंस, एंड फिफ्थ वन इज सिंपल मैकेनिजम्स, एंड सिक्स वन इज वेलोसिटी इन मैकेनिजम्स, एंड वेलोसिटी इन मैकेनिजम्स ऑल्सो नॉन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर्स मेथड्स. ओके गाइज, नाउ कम टू द सेवंथ इज वेलोसिटी इन मैकेनिजम्स, ऑल्सो नॉन एज रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, एंड एट्थ इज एक्सीलरेशंस इन मैकेनिजम्स, एंड नाइन्थ वन इज मैकेनिजम्स विथ लोअर पेयर्स, एंड टेंथ वन इज फ्रिक्शंस, वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शंस. ओके, नेक्स्ट वन 11th इज बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव्स, एंड 12th इज टूथ गियरिंग, एंड 13th इज गियर ट्रेन्स, एंड 14th इज गायरोस्पिक कपल्स एंड प्रीसेशनल मोशंस, एंड 15th इज इनर्शिया फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, एंड 16th इज टर्निंग मोमेंट्स डायग्राम्स एंड फ्लाइंग्स, एंड 17th वन इज स्टीम इंजन्स वाल्व्स एंड रिवर्सिंग गियर्स, एंड 18 इज गवर्नर्स, एंड 19 इज ब्रेक्स एंड डायनामोमीटर्स, एंड 20 इज कैम्स, एंड 21 इज बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, एंड 22 इज बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, एंड 23 इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, एंड 24 इज टॉर्सनल वाइब्रेशंस, एंड 25th इज computers aided analysis and synthesis of mechanisms also known as CAD. okay, and last one 26 is automatic control. okay, we will discuss all these topics in theory of machines one by one. okay, for today we will start our new topic subdivisions of theory of machines. जैसा कि हम लोग जानते हैं theory of machines को सब डिवाइडेड किए गए हैं, कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं, और ये फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं. पहला पार्ट है हमारा काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स किनको बोलते हैं हम लोग, देखिए
Kinematics deals with the relative motions between the various parts of the muscles. जब मशीन्स के वेरियस पार्ट्स में हम लोग रिलेटिव मोशंस को डिस्कस करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं। देखिए फिगर मैंने लिया है, एक ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स के भी बॉडी जो है वो सारे क्या कहलाते हैं, मशीन से कहलाते हैं। यदि सिस्टमेटिकली इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक मशीन कहलाएगा। मशीन्स का एक पार्ट्स क्या आपका हैंड है। जैसे मशीन्स में अदर पार्ट्स होते हैं, पिस्टन्स होते हैं, लीनियर होते हैं, तो उसी का हैंड है हमारा क्या, एक पार्ट्स है हमारे शरीर का। और हैंड को हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट्स दे रहे हैं। तो मोमेंट्स देने के कारण क्या हो रहा है, जो हैंड्स है इधर एंड इधर मोमेंट्स कर रही है, और मोमेंट्स करने के कारण क्या हो रहा है, वो अपना छाप छोड़ रही है, पहचान आइडेंटिफिकेशन छोड़ रही है, जिनके कारण क्या हो रहा है, देखिए हमारा बॉडी क्या है, स्टेबल है, लेकिन हैंड क्या है, मोमेंट्स है। तो देखिए बॉडी के रिस्पेक्ट में हम किनको देखना है, हैंड को देखना है। बॉडी के रिस्पेक्ट में जब हैंड को देखते हैं तो हैंड में क्या है, हमारा मोमेंट्स है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशंस बोलते हैं। और एक बॉडी जो है वो क्या स्टेबल है और दूसरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशंस बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ मोशंस हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक पार्ट जो है वो स्टेबल होगा और दूसरे पार्ट्स में क्या होगा, मोशंस होगा, और उस मोशंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशंस बोलते हैं। ओके गाइस, तो काइनेमेटिक्स क्या हो गया हमारा, डिस्कशंस अबाउट द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मसल्स। ओके गाइस, नाउ कम टू द सेकंड सब डिविजन ऑफ थ्योरी ऑफ मसल। सेकेंड वन इज डायनामिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक्स। ओके, डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द मसल्स पार्ट्स इन मोशंस। देखिए डायनामिक्स जो है किनके बारे में डिस्कस करेगा, फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फोर्सेस मैंने आपको बताया था, फोर्स हम लोग किनको बोलते हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू एम स्टैंड फॉर मास एंड इंटू एक्सीलरेशन, ए स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन, एम इंटू ए। ओके गाइस, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स। इट मीन्स जब किसी भी बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जब तक मास नहीं होगा तब तक उनमें फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं क्या, कोई भी बॉडी में जब मास और उनके जो मोशंस है उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा। और जब किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स अप्लाई होने के कारण जो चेंजेस होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देख ली, देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, व्हीकल्स को ड्राइव कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जो फ्रंट व्हील है उन पे क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, किनसे, अपने पैर से। जब फोर्स अप्लाई कर रहा है तो व्हीकल्स व्हील जो है व्हीकल्स का वो क्या कर रहा है, मोमेंट्स कर रहा है, और मोमेंट्स करने के कारण क्या कर रहा है, अपना पोजिशन जो है, जो फर्स्ट पोजिशन था उनको चेंज करके वो दूसरे पोजिशन पे जा रहे हैं, अदर पोजिशन पे जा रहे हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस, फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट सब डिविजन्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स इज काइनेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक्स। काइनेटिक्स डील्स विद द इनर्शिया फोर्सेस व्हिच अराइज फ्रॉम कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द मास एंड मोशंस। काइनेटिक्स में हम लोग किनको डिस्कस करते हैं, इनर्शिया फोर्सेस। इनर्शिया फोर्सेस क्या होता है, मान लीजिए हम लोग किसी एक डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किए और उनके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया फोर्सेस बोलते हैं। और सिंपली भाषा में हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शंस। साइंटिफिक लैंग्वेज ही है फ्रिक्शंस, लेकिन सिंपली हम लोग यूज करते हैं फ्रिक्शंस इंजीनियरिंग में। ओके गाइस, तो हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया और फोर्सेस किनके बारे में डिस्कस करेगा, हमारा फ्रिक्शंस के बारे में। यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, हमारा अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किनमें, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एक बाइक है और एक रोड पे चल रहा है, सॉरी यहाँ पे बहुत सारे कार आपको दिखाया जा रहा है और कार क्या कर रहे हैं, आपके रोड पर ड्राइव किए जा रहे हैं। तो रोड जो है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होता है, यदि मान लीजिए गाड़ी फोर्स जो हमारा कार है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करता तो हमारा कार क्या हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि जो रोड है उनकी ओर से भी क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, किनके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कार चल रही है उनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्सेस। और उन्हीं को हम लोग जब स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में तो वो क्या कहलाएगा, हमारा काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन्स कहलाएगा। और ये तीसरा पार्ट हुआ हमारा सब डिविजन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स का। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपको जानने से मालूम चलता होगा, वर्ड से ही मालूम चल जा रहा है। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, हमारा रेस्ट एट रेस्ट पोजिशन। जब भी हमारा व्हीकल्स या फिर मसल्स के पार्ट्स जो है वो क्या है, रेस्ट मोशंस में है, और रेस्ट मोशन में जब होगा तो उनका मास जो है, हम लोग उस टाइम पे जो
मास ऑफ द पार्ट्स को जो एज्यूम करते हैं वो क्या होगा, नेग्लिजिबल्स। नेग्लिजिबल मीन्स उनका मास को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और उस टाइम पे जो फोर्स और उनके जो इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा रेस्ट पोजिशन पे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटिक्स बोलेंगे, स्टेटिक्स थ्योरी ऑफ मशीन्स बोलेंगे। ये चार सब डिविजन है थ्योरी ऑफ मशीन्स के। और आज बस यहीं पे मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग इनसे आगे करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारा थ्योरी ऑफ मशीन्स को हम लोग कवर करेंगे। और हमारा जो लेक्चर होने वाला है पर डे आने वाली है थ्योरी ऑफ मशीन्स का, ताकि जल्द से जल्द मैं सिलेबस को कंप्लीट कर सकूँ। ओके गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।